फ्री क्यों हो रहे हैं? ये है कौन? ओ भाई ये क्या हो रहा है यार? इसको बुलाया किसने? आप जाएं घर। यार मैंने 40 दिन लॉग नहीं किया तो मुझे भूल गया यार। इस गाड़ी के रिलेटेड हमसे एक बंदा जो है ना केलेबाजी करना चाह रहा है, श्रीकर लाना चाह रहा है, ठीक है। पहली रीजन ये है कि यार ये ब्रेक बहुत जरूरी था आपके भाई की जिंदगी में। क्या करवाना है गाड़ी का? यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज? ये हो क्या रहा है यार? ये इग्नोर, ओए तुम दोनों ने कोई प्लानिंग की है? जो काम के वक्त आए सिर्फ उसको फिर बंदा भूल ही जाता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है यार? बड़ी देर हो गई, गायब ही हो गए यार, मिलते ही नहीं यार। भाई यार क्या हो गया यार? दादा पुत्र बन जा। खैर जी, जोक्स असाइड, आपका भाई इज बैक, फिर आ गए न्यू वीडियो के साथ। आपका भाई हाजिर है आपकी जिंदगी में, फिर से कदम रखा है आपके भाई ने। अच्छा, अब से आपका भाई कोशिश करेगा कि हम कंसिस्टेंसी से वीडियोस डाल सकें और आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आ सके। क्योंकि हमने जितनी डंडियां मार ली है ना, छुट्टियां जितनी कर ली, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना वो फुल जो है ना गुस्से में होंगे। और लास्ट लोग मैंने देखा था कमेंट से फील कर लिया था आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों का जो सपोर्ट है ना वो मैंने फील कर ली थी। वैसे आज के ब्लॉग को जी करते हैं स्टार्ट। आपका भाई इज बैक और इंशाल्लाह होपफुली कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे। शायद डेली ब्लॉगर हबीबियन वापस आए ना आए, मैं डेली ब्लॉगर की आपको जो है ना वो प्रॉमिस तो नहीं करता कि डेली ब्लॉगर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि डेली वीडियोज किसी ना किसी तरीके से अपलोड कर पाए। डेली अपलोड करने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। खैर जी, आज ब्लॉग नहीं करना था हमने, कल ब्लॉग करना था। आज आपने देख रहे होना था जिस वक्त ये ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया। कल मोटिवेशन का लेवल बहुत ज्यादा था, मेरे जितने भी लोग हैं ब्रॉडकास्ट चैनल पे उनके साथ इस तरह की शेयरिंग चलती रहती है, उनसे मैंने ये बात शेयर की थी। कल आपके भाई की मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा था, लेकिन बाहर लाहौर की गलियों में पानी का लेवल उससे ज्यादा था, इसीलिए आपका भाई बाहर नहीं गया। मैंने कहा यार कोई भी रिस्क लेने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक दफा रीबर्थ का इंजन उड़ा बैठे हैं, पानी में चला के गाड़ी, ठीक है। तो कल तो वैसे ही 44 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ लाहौर में बारिश का, इससे ज्यादा इतनी बारिश जो है ना वो 44 इयर्स पहले हुई थी, तो बड़ी अजीब बात है। इसीलिए मैंने जो है ना कोशिश की कि यार घर में रहते हैं, कल व्लॉग करेंगे, आज के दिन में व्लॉग कर रहे हैं, तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल का ऐसा नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर सकते हो। बिना किसी देर के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड योर डेली ब्लॉगर बीबीन इज बैक। ओके, डेली देखते हैं डेली का करना है क्या करना है, लेकिन आई एम बैक। खैर जी, इतनी देर बाद व्लॉग हो रहा है तो आप लोगों को गाड़ियों की भी अपडेट देते हैं। ये सिविक हमारी पीछे खड़ी है, आपको पता है इसके रिलेटेड आपको एक न्यूज देनी है, वो आपको थोड़ी देर बाद देंगे। बड़ी जरूरी एक आप समझ लो कि बैड न्यूज ही है, वो आपको देनी है। दूसरी बात, हमारी क्राउन आपकी और हमारी फेवरेट, इस गाड़ी के रिलेटेड आपको एक जरूरी अपडेट देनी है कि जो है ना इस गाड़ी के रिलेटेड हमसे एक बंदा जो है ना केलेबाजी करना चाह रहा है, श्रीकर लाना चाह रहा है, ठीक है। उसको समझा लो, खराब हो जाएगा बाद आ जाए वो। ये गाड़ी बड़ी तेज है, जहाज गाड़ी है। उसका कहना ये है कि अगर वो इस गाड़ी से हार गया तो वो गाड़ी बेच देगा। मेरा कहना ये है अगर मैं उसकी गाड़ी से हार गया मैं इंजन बाहर फेंक दूंगा इसका। बहुत बड़ी बड़े इंकशाफात हो रहे हैं गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में आपको आने वाले व्लॉग में बात चल जाएगा। चलो जी, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। गाड़ी बहुत गंदी है, वो गाड़ी पहले से स्टार्ट है। व्हाट इज, ओ नो, की चाबी किधर है? चाबी के बगैर स्टार्ट हो गई हो तुम, हैं बेवफा। व्हाट इज दिस, तुम तो मेरी सब्सक्राइबर की तरह निकली हो। जी तो बॉयज, इसी के साथ हम लोग निकल आए हैं। सिविक हमने निकाली है घर से, क्यों निकाली है वो, हम जा रहे हैं डैम पे। डैम पे क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन अहम सवाल क्या है जो कि मोस्ट ऑफ यू गाइज आर थिंकिंग, आपके दिमागों में चल रहा होगा कि यार ये शितार आदमी गायब किधर था, ठीक है, ये बंदा किधर गायब था। लास्ट ब्लॉग मैंने आपको अपडेट दी थी, लेकिन वो ब्लॉग भी कुछ इस तरह से बनाया था, मैंने मजबूरन ही बनाया था एक अपडेट देने के लिए आप सबको कि यार मैं कहाँ पे गायब हूँ, क्योंकि मुझे एक दो मैसेजेस इस तरह के आए थे कि यार लोग जो है ना वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक अपडेट दे दें आप ब्लॉग में। मैंने कहा यार जरूरी है, मुझे रिस्पॉन्सिबल, दैट वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल फ्रॉम माई साइड, लेकिन मैंने अपडेट दी थी इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इसीलिए कहता हूँ कर लिया करो, बाकी की सारी अपडेट वहां पे चलती रहती है। अगर व्लॉग आए ना आए इंस्टाग्राम पे अपडेट आती रहती है। अब इसका जवाब देने के लिए लेट मी एक्सप्लेन। तो भैया गायब ऐसा सच कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं है गायब होने की, मैं आपको एक दो रीजंस बताता हूँ। पहली रीजन ये है कि यार ये ब्रेक बहुत जरूरी था आपके भाई की जिंदगी में। हमने यूट्यूब कब से स्टार्ट किया, ठीक है, इतना लंबा ब्रेक मैंने शादी पे लिया था और मैंने अब लिया, ठीक है, ब्रेक मैं बीच में लेता रहा हूं, लेकिन इतना लंबा ब्रेक मैंने ये अब जाके लिया है। ये चीज ये करना बहुत जरूरी था, इट वॉज लॉन्ग अवेटेड। मैं वेट ही कर रहा था कि मुझे कब मौका मिले, और जो मुझे मौका मिला मैंने मौके पर चौका मारा और मैंने ब्रेक लिया, ठीक है। बीच में बहुत दिल भी किया ब्लॉग करने का, लेकिन आई वॉज ऑन अ ब्रेक, आई वॉज थिंकिंग, ठीक है, मैं सोच रहा था कि कॉन्टेंट को किस तरह से कुछ चेंज लाया जाए, क्योंकि ये जो डेली ब्लॉग्स है ना, डेली ब्लॉग्स भाई एक बड़ी खपत का काम है, कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, खपत का काम है, दिमाग दिमाग लड़ाना पड़ता है, और वो
उस तरह से कोई मजा भी नहीं आ रहा बनाने में, मतलब बंदे को खुद मजा आता है ना। शुरू शुरू में मुझे याद है व्लॉग्स बनाता था तो यकीन मानो मुझे ना एडिटिंग करने में मजा आता था, शुगर लगता था मुझे एडिटिंग में, इतना मजा आता था कि मैं एडिटिंग पे व्लॉग से ज्यादा टाइम लगाता था, व्लॉग बनाने से रिकॉर्ड करने से ज्यादा मैं एडिटिंग पे मेहनत करता था। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता था। वो मजा आना बंद हो गया यार, इंजॉय करना मैंने बंद कर दिया उस चीज को, तो वो जो है ना वो प्रोसेस को मैं इंजॉय करना बंद कर दिया, और जब मैंने प्रोसेस को इंजॉय करना बंद कर दिया तो मैंने फिर व्लॉग भी करने बंद कर दिया। मैंने थोड़ा सा दो कदम पीछे लिया, मैंने सोचा, अच्छी तरह सोचा, सोच विचार किया, जिसकी वजह से शायद शायद आपको आने वाले व्लॉग्स में कुछ चेंज फील हो। वो चेंज अच्छा होगा या बुरा होगा ये आप सबने ही बताना है। बाकी आप सबकी सपोर्ट चाहिए होगी, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत से लोगों के मैसेज आए, सपोर्ट दी आप सबने, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत ना होती तो मैं इधर कैसे पहुंचता है मुझे बताओ। लेकिन लव यू गाइज यार, जो सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते उनको भी लव यू, कोई मसला नहीं है। जो गुस्सा करते हैं उनको भी लव यू यार, कोई मसला नहीं है। प्यार बांटने आए हैं हम नफरतों वाले बंदे है ही नहीं यार, वी आर नॉट दैट पीपल। वो शरीके वाले तो बंदे ही है, हम शुगल में करते हैं जो करते हैं, और शुगल में ही करना चाहिए। यहाँ पे आ गई बहुत नफरतें यार, हालात बड़े खराब है बाहर, बहुत खराब है। खुशियां बांटो, इंजॉय करो, खुद भी इंजॉय करो और लोगों को भी इंजॉय करने दो। ये नफरत तो बांटने से कुछ नहीं होता है। वक्ती तौर पे शायद शुगर लग जाता होगा, वो क्या कहते हैं उसको, लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो है ना, क्या कहते हैं तमाशा, हाँ तमाशा देख के वक्ती तौर पे तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तो खैर एनीवेज भाषण यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपको आने वाले व्लॉग्स में होपफुली शायद चेंज नजर आएगा, आपने बताना है कि वो चेंज मजेदार है या नहीं है। ठीक है, आज तो एक कैजुअल सा व्लॉग है, डेली व्लॉग है, तो आज वाले व्लॉग में शायद आपको फील ना हो। लेट्स गो टू डैप बिना किसी देर के। ओए होए होए होए, एक चीज तो बताना ही भूल गई यार, मैं बता रहा हूँ ना आपको यार, 40-45 दिन बाद तो व्लॉग कर रहा हूँ, तो कहाँ याद रहना मुझे। क्या हुई भाई, बाहर की अपडेट पे आ जाए तो इस वक्त 36 डिग्री के साथ लाहौर में सख्त धूप निकला हुई है, धूप निकली हुई है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, सख्त धूप निकली हुई है लाहौर में, आप देख सकते हो। और उसके अलावा कल जो बारिश हुई थी, कल थोड़ा सा मौसम में हल्की सी नरमी थी, लेकिन आज ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा है। कल पानी का लेवल ज्यादा था, आज ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा है, और मेरी मोटिवेशन का लेवल भी ज्यादा है गाइस। A few moments later. चलो जी, we are at DAP guys. हम लोग DAP पे पहुंच चुके हैं और गाड़ी है, वॉशिंग बैग्स करते हैं, गाड़ी बहुत गंदी है। आज भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? ये चाबी पकड़ो, गाड़ी मस्त चमका देनी है आपने, ठीक है? कितने दिनों के लिए? अस्सलाम वालेकुम भाईजन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, कैरी से क्या करवाना है? वॉशिंग बैग्स अबे बिल बता देना इनको। ओ भाई हेलो हेलो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू बाजम डार, भूल गए अपने दोस्तों, अपने जिगरी पुराने यार को जिसके साथ भागो पे घूम के। आप इतना फ्री क्यों हो रहे हैं, ये है कौन? ओ भाई ये क्या हो रहा है यार, इसको बुलाया किसने? भाई तू मुझे भूल गया यार, ये बुकिंग आया ना। ओ भाई तू मुझे भूल गया यार, भाई आप कौन हो? तू मुझे पहले ये तो तुमने डैप को खरीदा है? अपना ही है, आप तो डैप अपना ही समझी बैठा है। नहीं आप कौन हो? मैं हबीबी हबीबुर रहमान हूं, पकड़ लीजिए। कब से? अच्छा ये वो है जो 40 दिन ब्लॉग करता है, फिर 10 दिन की छुट्टी, 10 दिन की भी नहीं, 10 साल की छुट्टी पे ले जाता है ये। यार मेरी बात सुन, अगर मैं छुट्टी करूंगा तो मेरे दोस्त को भूल जाएगा यार। हाँ मैं कहाँ पे, ये क्यों नहीं बताया? ये लाहौर से बाहर निकलते हैं ना, बॉर्डर पे हैं, 3-4 मिनट लगेंगे पूरे। जी जी, गन्ने की मिनट है, इसीलिए ब्लॉग का काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं। आप जाएंगे यार? मैंने 40 दिन व्लॉग नहीं किया तो मुझे भूल गया यार। भाई आप घर जाएं, ऐसे मस्त एसी चलाएं, ऐसे करके लेते हैं और चिल करें, आपका कोई काम नहीं है, बंद करो ये फ्लैश शो, ये वो सारा बंद कर दो। मजे की बात है यार, मजे नहीं, क्या चैनल का पासवर्ड आप भूल जाते हो, व्लॉग आपने नहीं बनाना, एडिट आपसे नहीं होता, कमर आपकी दुखती है, गोडों में आपके दिल लग गया, पता नहीं वो धड़कते हैं आपसे खड़ा होती है, उसमें पता नहीं सुबह उठते हैं ऐसे करके, ऐसे करके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं यहीं पर नाश्ता खाते हैं, वहीं पर ऐसे करके दोबारा सो जाते हैं। चैनल का पासवर्ड या मुझे दे दें या आप बंद ही कर दें, छोड़ दें ये कहानी, आप कोई छोलों की रेडी लगाएं, वो बेहतरीन नान मैं आपको मंगवा कर दूंगा, मेरा है तंदूर। अच्छा वो बस आपको लगने वाला है, तू तंदूर में मुझे रोज क्यों गाना लगा रही है भाई, आप काम नहीं कर रहे यार, आपको बताओ मैं क्या बताऊं। एक बंदा है, उसने YouTube चैनल लगाया 3 साल हो गए मेहनत की, उसके बाद वो कहते हैं यार मैं सोने लगा फायदा यार। देख बात कंटिन्यू, देखो दुकान तब चलती है जब डेली खुले, जब दुकान खुलेगी नहीं तो लोगों कहने तो बंद करके चला गया यार। मैं दुकान से तंग आ गया, मैं शॉपिंग मॉल बनाना चाह रहा हूँ। आप शॉपिंग मॉल बनाना चाह रहे हो, इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दे, मियां मंशा के वजह।
यार गाड़ी तो वॉश होती रहेगी, अंदर चलते हैं, अंदर चल के बैठते हैं, बाहर तो बहुत गर्मी है, अंदर एसी चल रहा है। लेट्स गो इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम, आप तो बाहर ही थे, अंदर आ गए हो। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? पहचान लिए आपने? नहीं, अभी भी याद नहीं आया तुम्हें यार, मर्जी वाली बात है यार, आपसे मैं से कंसेंट। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं? हमजा ठीक हो तुम? हैं गाड़ी का काम यार, ये क्या हो गया तुम्हें यार? बासिम भी मुझसे ऐसे बात कर रहे जैसे वो मुझे जानता नहीं है। तुम भी बैठे ना, वो क्या करवाना है गाड़ी का यार? ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज? ये हो क्या रहा है यार? ये इग्नोर, ओए तुम दोनों ने कोई प्लानिंग की है कि इसको इग्नोर करना है, इसको सजा देनी है, क्या चक्कर क्या है? बस आप थोड़ा तारुफ तो करा दें अपना, कौन है आप? ठीक है यार, मैं फिर चला जाता हूँ। निकल जाए आपको बुलाया, ये तो बहुत अच्छी बात। मैं इतनी देर बाद आया तो भूल गए अपने भाई को, जो बंदा चला जाए कहीं, बंदा चला जाए रास्ते में भी ना रहे, उसको लोग भूल ही जाते हैं। काम पर आए हो वैसे ही नहीं, जो अपने फ्रेंड्स के जो काम के वक्त आए सिर्फ, उसको फिर बंदा भूल ही जाता है। यार ये तो गलत बात है आपको बदले थे हमें यार, ये तो गलत बात यार, बासिम सिर्फ हफ्ते के लिए आए, टेंशन ना लो। ऐसी शुगर चलता रहेगा, गाड़ी वॉश होती है तो फिर यहाँ से निकलते हैं। शुगर वुगर कोई नहीं हो रहा है? हाँ शुगर नहीं आ रहा, नहीं हो रहा। आप कौन हो? आप किसे शुगर है हमारा? जागते हो भाई? गाइस मेरा ख्याल है इतना काफी है, मिलते हैं आपसे एक महीने बाद। अल्लाह हाफिज़। तो बॉयज अपडेट ये है, हमारी गाड़ी माशाल्लाह ऑल गुड हो गई है, साफ सुथरी हो गई है, लेके इसको निकलते हैं, इसकी पिक्चर्स वगैरह लेनी है। अब दोस्ती कर लो यार, व्हाट इज दिस यार, हफ्ते बाद मिलेंगे, दोस्ती कर ले यार अब। ओ भाई यार फ्रेंडशिप यार, पहली दफा मिलने पे कौन सी दोस्ती हो जाती है? कस्टमर है ये, इनसे आपने बिल ले लिए भाई, कह रहे हैं कहते हैं वैसे यार। अच्छा मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इसके बाद अगर तेरे भाई ने छुट्टी की ना, मतलब 40 दिन की छुट्टी की, तो फिर नाराज हो जाना। इसके बाद अगर तूने छुट्टी की, तेरी टिंड करूंगा, फिर ये तेरी दाढ़ी उतारूंगा। बच ये बहुत ज्यादा हो गया भाई, ये होगा। ओके यार अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि बीबीएन की टिंड हो जाए और उसकी दाढ़ी भी उड़ा दी जाए, मैं आईब्रोज एडवांस में उड़ा दूंगा, तो इस वीडियो के नीचे आप 1,00,000 कमेंट कर दो। लोग कहते हैं हमारा 300 नहीं हो रहा। 1,00,000 कमेंट कर दो पर बंदा 10 कमेंट करने हैं, ठीक है? 1,00,000 पूरे करने हैं। 1,00,000 पता मुझे नहीं होने, चलो ओके लाख। नहीं ये करेंगे, नहीं 1,00,000 होने नहीं, ये करेंगे। अगर हो भी गए मैं पागल हूं सारा कुछ करवा दूं। टिंड होगी अबीब की, टिंड होगी, साथ दाढ़ी उड़ा देंगे, मैं खुद उड़ा दूंगा, टेंशन ले नहीं, मैं खुद उड़ाऊंगा यार। टिंड के मैं हक में हूँ, गन भी बड़ी है, दाढ़ी नहीं जा रही ना, ओ नो ना, पुंचुक लगता है आदमी। वो आपका मसला है, आप जो मर्जी लगो। चलो जी लेट्स गो। ओए गाड़ी तो अभी फ्रेश वॉश हुई है। गाइस चेक करें जरा, हम लोग रुके थे गाड़ी की पिक्चर्स खींचने के लिए और यहाँ पे देखें, ओ भाई जहाज वो तो छोड़ें, आप ये देखें गाइस, ये कल के मैं आपको बता रहा था ना लाहौर में बड़ी तूफानी बारिश हुई है, ये देखो पूरी नहर बनी हुई है गाइस, स्विमिंग पूल, दिस इज स्विमिंग पूल गाइस। तो बॉयज अपडेट ये है कि हम लोग डैब से हो चुके थे फ्री, ठीक है, गाड़ी वॉश हो गई हमारी और हमने जो पिक्चर्स लेनी थी वो भी लेनी, पिक्चर्स जिसलिए चाहिए थी आपको वो भी बता देते हैं। जो बैड न्यूज़ का मैं जिक्र कर रहा था, वो बैड न्यूज़ ये है गाइस के, बैड न्यूज़ कह लें, सैड न्यूज़ कह लें, जो भी आप कहें इसको, लेकिन वो ये है कि सिविक का यहाँ तक ही साथ था, मेरे लिए तो बैड न्यूज़ है, आपसी बात है, मैंने इस गाड़ी को बहुत इन्जॉय किया और जितना मैं इन्जॉय कर सकता, मैं सोचा नहीं था मैं इस गाड़ी को इतना इन्जॉय करूँगा, तो वो सिविक इतनी पहचान में नहीं थी, तो वो ना एक सेंस ऑफ फ्रीडम आप कह लो, और जो एवरेज के लिए आसे सुकून है क्राउन के बनस्बत और मार्क एक्स के बनस्बत, ऑब्वियसली ये मार्क एक्स का ही वो था, रिप्लेसमेंट में आई थी ये, तो इसीलिए जो इसमें सेंस ऑफ फ्रीडम और इन्जॉयमेंट मैंने इन्जॉय किया ना इसमें, मैं आपको बता नहीं सकता, और ऊपर से दिखने में भी अच्छी है, खूबसूरत होती है सिविक ओवरऑल, वैसे ही शुरू से ही बहुत खूबसूरत आ रही है, ये आज की बात नहीं है। क्या हो गया यार, क्या हो गया? ठीक है मैंने बेल्ट नहीं बांधी, लेकिन इतना हॉर्न क्यों दे रहे हो? अंकल को बहुत जल्दी है, भूख लगी हुई है अंकल को, मुझे लगता है रोज़ा लग रहा है अंकल को। खैर जी अभी हम जा रहे हैं घर, ठीक है, और घर जाके ब्लॉग को फिर एंड करते हैं खैर से इंशाल्लाह, बल्कि ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, घर जाके भी एंड करना ही है, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। नाराज़गी जो है वो हमजा और वासिम की आपने देख ली है, वो भी नाराज़ है, इसी तरह मैं फील कर सकता हूँ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जो है ना इसी तरह मेरे से बहुत सारे नाराज़ हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट अप टू यू, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके गिले शिकवे सारे दूर हो जाएँ कुछ मज़ेदार से ब्लॉग से, वो एक आधा ब्लॉग अच्छा आ जाएगा ना इंशाल्लाह, आप लोग खुद ही कहोगे यार चलो यार इसको माफ़ किया। तो भाई को दुआ में याद रखें और आई एम बैक, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद लाजमी याद रखें, ठीक है, ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।